डेयर्स में आप लोग का स्वागत है और आज मैं आप लोग यहाँ पे ओप्पो के F11 Pro का एक फुल कैमरा रिव्यू यहाँ पे जो वो देने वाला हूँ। और अगर आप ओप्पो लवर है तो आप ये वीडियो जरूर से देखना, जहाँ पे ओप्पो F11 Pro में आप लोग को 48+5 megapixel का डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, F1.8 का एपर्चर मिलता है, ये एक AI वाला कैमरा है, प्लस आपको अल्ट्रा लो लाइट मोड भी मिलता है, यानी कि लो लाइट में आपको बहुत ही बेहतरीन पिक्चर देखने को मिलेगी, ऐसा ओप्पो ने क्लेम किया है और वो चीजें मैं आप लोग को वैसे इस वीडियो में बता दूंगा। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग को जो वो फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करने मिलता है और आपको EIS का भी सपोर्ट मिल जाता है। सेल्फी की बात करूं तो आप लोग यहाँ पे 16 मेगापिक्सल वाली राइजिंग यहाँ पे जो कैमरा जो मिलता है, साथ में आप देखेंगे इस तरीके का ये आपको फुल HD वीडियो भी निकालने को मिलती है, लेकिन इसमें EIS नहीं मिलता है, F2.0 का आपको अपर्चर मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज आपको लोग बता रहे थे कि ये जो राइजिंग कैमरा है इसमें इस फोन में आपको ग्रेविटी सेंसर मिलता है, अगर आपका फोन हाथ से गिर जाता है तो ये ट्रक से जो वो अंदर चला जाता है जिससे ये इसको टूटने से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं मैं कैच करता हूं तो आप देखेंगे ये अंदर चला गया, फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूं मेरा फोन लॉक हो गया और फिर से अगर ये देखेंगे ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है, फिर अगर मैं हाथ में इसको पकड़ लेता हूं ये देखेंगे अंदर चला गया, उसके बाद फिर से ये बाहर आ जाएगा, अगर हाथ से गलती से गिर जाता है तो ये अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से आपको ग्रेविटी सेंसर भी देखने को मिलता है। तो यहां पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके कैमरे के सैंपल से। उससे पहले आप लोगों को बता रहे थे कि आपको सेटिंग्स में जाके 48 मेगापिक्सल वाले कैमरे को पहले इनेबल करना पड़ेगा अगर आपको बहुत ही डिटेलिंग और अच्छी पिक्चर्स चाहिए। उसके बाद यहां पे अगर हम कैमरे की कुछ क्वालिटीज की बात करते हैं, दिन की अगर मैं बात करता हूं बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स आपको जो वो निकालने को मिलती है, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया कि जो 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा है ये डिटेल वैसे काफी अच्छे निकाल रहा है। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लग रही है कि पिक्चर में डिटेलिंग वैसे आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है, काफी शार्प पिक्चर यहां पे निकल कर आया। दूसरी बात ये कि दोस्तों यहां पे पिक्चर काफी नेचुरल निकल कर आती है, एक्चुअली में जो आउटसाइड का जो कलर है वही कलर आपको यहां पे इस फोटो में जो वो देखने को मिल रहा है, तो एक नेचुरल फील भी आपको मिलता है डिटेलिंग के साथ में। रही बात यहां पे अगर मैं दोस्तों कुछ और रैंडम पिक्चर्स की बात करता हूं तो बहुत ही अच्छे पिक्चर्स यहां पे इसने निकाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पे अगर मैं कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करता हूं तो पोर्ट्रेट भी देखेंगे वैसे काफी अच्छे निकल कर आए, काफी इंप्रेसिव है, और अगर आप देखते हैं जो बुके है जो बैकग्राउंड में वो भी काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। ऑब्वियसली 1.8 का आपको अपर्चर मिल रहा है तो वो अपना काम तो करेगा ही। उसके अलावा पिक्चर में अगर आप देखते हैं क्वालिटी तो वैसे काफी अच्छी निकल कर आई, अगर आप एक फोटोग्राफर है और अगर आपको ऐसे कुछ नेचर की पिक्चर्स लेना है, पोर्ट्रेट शॉट्स लेना है, तो ये फोन वैसे आपको काफी हेल्प करेगा उस मामले के अंदर। उसके अलावा यहां पे अगर मैं रियर के नाइट सैंपल्स की बात करता हूं तो यहां पे एक्चुअली में गेम चेंज हो जाता है, आपको इसमें जो नाइटस्केप का फीचर मिलता है और अल्ट्रा लो लाइट मोड है, तो जहां पे अगर आप देखते तो पिक्चर की क्वालिटी वैसे काफी दमदार और काफी नेचुरल आपको देखने को मिलती है। अगर नॉर्मली अगर आप जब पिक्चर लेते हैं विदाउट नाइट मोड के तो आप देखेंगे पिक्चर में जो टेक्स्ट वगैरह जो कहां पे भी दूर लिखे हुए रहते हैं वो इतने डिटेल में नहीं होते, लेकिन जब नाइट मोड में आप लेते हैं तो वो एक्चुअली में नेचुरल से लगते हैं और जब आप जूम करेंगे तो उसकी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो जो नाइट मोड है वो नाइटस्केप वाला जो फीचर है वो कुछ वैसे नेचुरल पिक्चर्स लेता है तो थोड़ा सा हेल्प करता है, जहां पे आपकी पिक्चर की जो नाइट की क्वालिटी वो थोड़ा सा आपको अच्छी देखने को मिलती है प्लस नेचुरल जो वो फील आता है। तो जो नाइट है, नाइट के जो पिक्चर्स निकल कर आए ओप्पो F11 Pro में वो काफी अच्छे है, काफी अबव डिसेंट में बोल सकता हूं, कुछ इस तरीके की पिक्चर की नाइट क्वालिटी आपको यहां पे देखने को मिल जाती है। ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स भी अगर आप देखते हैं नाइट के तो वो भी बहुत ही बेटर निकल कर आए, हालांकि कुछ कुछ जगहों पर इसने कुछ ज्यादा ही बुके कर दिया है, तो कान के और सर के हिस्से आप देखेंगे तो ज्यादा सा उसने आर्टिफिशियल जैसा फील आता है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट की मैं बात करता हूं तो उसमें देखते तो वैसे काफी इसने सही तरीके से जो वो बुके निकाला है। तो नाइट के अंदर पोर्ट्रेट शॉट्स भी आपको मिलते हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं और नाइट इसके बहुत ही इंप्रेसिव है जैसा कि ओप्पो ने यहां पे क्लेम किया था। रही बात यहां पे वीडियो सैंपल्स की तो रियर के अंदर अगर आप देखते आपको EIS मिलता है और अगर आप ये क्वालिटी देखते तो वैसे आपको काफी अच्छी मिल रही है, आपको दिन के अंदर भी अगर आप निकाल लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी वैसे काफी बेटर है, और अगर आप नाइट की भी बात करते हैं तो नाइट में भी वैसे आपको काफी अच्छी क्वालिटी यहां पे देखने को मिलती है, तो वीडियो से ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वीडियो आप यहां पे अच्छे से दिन में और नाइट में दोनों में निकाल सकते हैं। रही बात यहां पे सेल्फी की तो सेल्फी भी वैसे दोस्तों आपको काफी अच्छी मिल जाती है, अगर आप दिन के सैंपल्स देखते तो काफी अच्छा है, लेकिन इसमें भी यही इशू है कि थोड़ा सा जब जूम करते हैं ना तो जो बुके है वो इतना बेटर एच डिटेक्शन जो है वो इतना बेटर निकल कर नहीं आया जैसे कि हमें चाहिए था वैसा निकल कर नहीं आया। बस पिक्चर की क्वालिटी तो अच्छी मिल रही है, डिटेलिंग आपको वैसे काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। अगर मैं उसके अलावा नाइट के कुछ सेल्फी सैंपल्स की बात करता हूं तो ये भी वैसे काफी अच्छी निकल कर आई है और अच्छी डिटेलिंग आपको नाइट के सेल्फी कैमरे में जो वो देखने को मिल रही है। तो यही एक लफड़ा है बस कि डिटेलिंग तो अच्छी आ जाती है, बस जो बुके है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे यहां पे हो जाता है। उसके अलावा सेल्फी वीडियो सैंपल्स की बात करता हूं तो आपको यहां पे देखेंगे बहुत ही अच्छा वीडियो निकल कर आया है, हाउएवर यहां पे आप देखेंगे आपको EIS का सपोर्ट नहीं मिलता है सेल्फी की वीडियो में फुल HD के अंदर, लेकिन एनीवेज यहां पे आप लोग को अच्छी डिटेल क्वालिटी वाला वीडियो जो वो सेल्फी में मिलता है और नाइट में भी अगर आप देखते तो वैसे आपको काफी ब्राइट सेल्फी वीडियो सैंपल्स देखने को मिल रहे हैं। तो सेल्फी के जो वीडियो सैंपल्स भी है वो भी आपको वैसे काफी अच्छे यहां पे इस फोन में देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल यहां पे दोस्तों अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूं तो ओप्पो का ये जो फोन है इसका जो रियर कैमरे की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत ही अच्छे पिक्चर्स निकाला है, दिन में वैसे काफी डिटेल और काफी नेचुरल पिक्चर्स लिया, नाइट में बहुत ही अच्छा काम किया है,
तरह लो लाइट मोड मिलता है तो उसने बखूबी से अपना काम निभाया। बस बुके जब निकलते हैं, जब पोर्ट्रेट शॉट्स लेते हैं, तो उसमें एज डिटेक्शन में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे यहाँ पे हो जाता है, वो आर्टिफिशियल से लगता है। उसके अलावा सेल्फी आप देखेंगे, सेल्फी भी आपको वैसे काफी बढ़िया मिल रही थी, बस वही आर्टिफिशियल वाला बुके वाला सीन लगता है। उसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये कुछ ओप्पो एफ इलेवन प्रो के कैमरे सैंपल्स थे। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे थे उसको लेने की, तो शायद से इस वीडियो से आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसी कैमरा कंपैरिजन, कैमरा रिव्यूज, बहुत कुछ आप लोगों के लिए फ्यूचर में लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।